ये मेरे बाहर घर का जो फ्रंट है वो है, ये ईंटें रखी हुई हैं सारी, और बारिश बहुत हो रही है, ये पानी थोड़ा थोड़ा भर रहा है नालियों में, और अच्छे से वेदर बना हुआ है बारिश का। चलिए डोर को ओपन करते हैं। ये मैंने की लगा दी है, डोर हमारा ओपन हो गया है। हम तो सबसे पहले लाइट्स, क्योंकि ऑफ है घर की, हम लाइट्स को ऑन कर देते हैं, सारी लाइट्स को। ये भी यहाँ पर भी है, सभी मैं कर रही हूँ ताकि मुझे भी अभी आइडिया नहीं है कि कौन सा स्विच किसका है। तो गाइस, माय नेम इज अर्चना दत्ता और आप देख रहे हैं मदर होटल से। आज मैं बनाने जा रही हूँ घर का अपना वीडियो। अभी जो इसकी कंस्ट्रक्शन अभी पूरी हो चुकी है, अभी पेंट टाइल्स शेल्स का काम रहता है, प्लम्बरिंग का काम रहता है, बट कंस्ट्रक्शन का एक होता है ना जो नमूना तैयार हो चुका है, इनकी स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, तो वही मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ, मैं एक वन बाय वन एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी कि मैंने कौन सी जगह क्या बनवाया है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं, पहले मैं चाबी निकालना भूल गई हूँ, चाबी आई थी मैंने निकाल दी। अब दरवाज़ा बंद हो गया, तो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ये जैसे ही, ये देखिए यहाँ से ये एंट्रेंस स्टार्ट होती है, ये दरवाज़ा है, डोर है पूरा। जब आप एंटर करते हैं उसके साथ ही स्टोर रूम है। स्टोर रूम हमने इसलिए बनाया क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि आपको जो चीज़ें जो होती हैं स्टोर रूम में रखनी पड़ती हैं, जैसे कि आपका रैक हो गया और भी चीज़ें हो गई, प्लांट्स हो गए इंडोर। आप मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे जब था कि जब मेरा घर बनेगा तो मैं अपने अंदर, जो घर के अंदर प्लांट्स रखूँगी, इंडोर प्लांट्स। ये अभी एक सीढ़ी रखी हुई है, यहाँ पर हमने बनाया है इन्वर्टर का, क्योंकि इन्वर्टर क्या होता है, बच्चों की रीच से दूर होगा तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि 6 महीने में ही पानी डलता है, तो कोई इसके वो भी नहीं होता कि नीचे उतार के बार बार उसका उसको डालने का, और बैटरी ही हैवी होती है। जब इसको लगाया था तो इसका जो ऊपर की जो क्या होता है उसको इन्वर्टर ही बोलते हैं ना, बैटरी अलग होती है, तो वो ख़राब हो गया था, अभी वो ठीक करने दिया हुआ है, तो जब आ जाएगा वो भी उधर उसके अंदर ही रखा जाएगा, पूरा बॉक्स सा है ये। और जैसे ही ये जो स्टोर रूम है ये राइट साइड में है, जैसे ही ख़त्म होता है ये देखिए कंस्ट्रक्शन का, ये जितना भी ये सामान रखा हुआ है यहाँ पर, और ये है दरवाज़ा, ये हमने बाहर ही रखा हुआ है। ये दरवाज़ा पूरी तरह गंदा हो चुका है, इसको साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके साफ़ करेंगे। अभी दरवाज़े नहीं लगाए हैं क्योंकि अभी पेंट और टाइल्स का काम बाकी है, अगर वो करवा लेंगे उसके बाद लगाएंगे, तो क्योंकि इस पर और ये तो और भी गंदा हो जाएगा, और अभी इसको साफ़ करना ईजी है, जब लग जाएगा तो और भी इसको डिफ़िकल्ट होगा, सीन लगाया ये। बाकी जो इसमें क्या हुआ था, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का घर है ना, पानी बहुत ज़्यादा घुस गया था, तो उसमें क्या होता, उसने भी इतना ध्यान नहीं दिया जो बनाने वाला था, उसमें पानी जैसे कि मिट्टी जैसे वो बनाता था अपना मसाला, तो जैसे पानी घुस गया तो वो क्या हो गया, मसाला सारा जम गया, तो हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई उसको निकालने में। मैं ये भी दिखाऊँगी हमने किससे खुर्चा, और जैसे ही घुसते हैं, मैं रूम घर के बारे में बताती हूँ, जैसे ही घुसते हैं यानी कि जैसे ये डोर ओपन होता है, ये हमने ओपन किचन बनाया है, क्योंकि हमारे घर में इतना कोई आता जाता नहीं है, तो ओपन किचन क्या कि स्पेस, क्योंकि ये जो है ना मतलब फ्लैट्स हैं तो इसमें क्या होता है स्पेस का बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये हमारा ओपन किचन है, ये आप दूर से देख सकते हैं, ये पूरा किचन बना हुआ है, ये हमारा पूरा, ये सिंक लगी हुई है, इसके साथ ही ये विंडो है, आप देख सकते हैं बारिश भी आ रही है, यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है यहाँ सामने, क्योंकि पार्क है। एक्चुअली यहाँ दो पार्क है, एक तो फ्रंट में है और एक यहाँ पर देखना ग्रीन ग्रीन,
एक साइड में है, बट ये नाली का काम बेकार है। यहाँ पे ईंटें रखी हुई हैं बहुत सारी, देखो पानी भरना शुरू भी हो गया है हल्का हल्का। जब नाली नीचे रहेंगे तो नाली भी साफ़ करवाएंगे, अभी इतना वो इतना साफ़ करके नहीं जाती क्योंकि कोई बोलता नहीं है, अगर करके भी जाती है तो वैसे भी लोग गंद बड़ा मचा देते हैं। ये देखिए पार्क, ये हमारी विंडो है, खोल ही देती हूँ, हवा फ्रेश आती रहती है। हमने विंडो बहुत सारी लगाई है, आगे भी देखना आप, ये पूरी विंडो है। तो मैं दिखाती हूँ, जैसे कि मैं बताया था रसोई साथ में ही है, देखिए डोर के साथ में ही रसोई है, ओपन किचन। फिर ये पूरा आपका ये रूम है, देखिए टंकी वंकी सब रखी हुई है क्योंकि अभी प्रिपेयर तो हो गया लेकिन गंद बहुत है। ये टंकी ऊपर जाएगी और ये जो ड्रम है ये तो सेल आउट हो जाता है, बाकी ये सब साइकिल काम की है, बाकी सब फेंकने वाला है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक स्पेस है, ये रहा ये जो स्पेस है, यहाँ पर हम मंदिर बनाने का कोई शो पीस होता है या अलमारी, अभी डिसाइड नहीं हुआ है क्या बनेगा यहाँ पर, बट हमने स्पेस यहाँ छुड़वा रखा है तो क्योंकि काफ़ी सामान आ जाता है। उसके बाद जब हम ये रूम जो ये लिविंग रूम है, इसके बाद ये एक रूम स्टार्ट होता है, इसकी मैं पहले लाइट जला देती हूँ। चलो लाइट जल चुकी है। ये रूम जो है ये एक बच्चों का रूम है, यहाँ पर भी हमने खिड़की दिलवाई है, यहाँ का भी व्यू पता नहीं है खुलेगी नहीं खुलेगी, बहुत टाइट हो चुकी है जी, मेरे से तो खुलेगी नहीं। यहाँ का भी व्यू बहुत अच्छा है, ग्रीन ग्रीन दिखता है बाहर अगर हम इस विंडो को खोलें, क्योंकि कोने का मकान है तो बहुत अच्छा व्यू लगता है बाहर का अगर गंद ना हो तो। यह भी फालतू का ऐसे ही सामान पड़ा है, ये सब जाएगा बाहर, ये सारा सामान इसको इग्नोर करो। तो ये पूरा एक रूम है, मैं दूर से दिखाती हूँ आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगा रूम का। तो ये पूरा एक रूम है, रूम के साथ में ही हमने डोर दिया हुआ है इसका वॉशरूम का। इसकी लाइट मुझे अंदर से जलानी पड़ेगी, ये देखो ये दरवाज़ा अंदर से है बच्चों के रूम से। ये जो है हम अंदर आ चुके हैं वॉशरूम के, ये मिक्सचर लगा हुआ है, यानी कि ये हमारे जो ऊपर वाले जहाँ हम रहते हैं अभी, वहाँ पर 3 टैप्स लगे हुए थे और वॉशरूम क्योंकि छोटे छोटे ही बनाए हमने, ज़्यादा बड़े नहीं बनाए। तो ये मिक्सचर से क्या होता है, ये एक ही मिक्सचर लगता है, इसमें आपका ठंडा गर्म पानी भी चलता है और आपका उसका जो नॉर्मल पानी होता है टंकी का भी चलता है, और जो मोटर चलाते हो ना आप उसका भी पानी आता है, तो काफ़ी अच्छा है। पहले हमें पता नहीं था तो इसलिए नहीं लगवाया था, बट अब ये मिक्सचर हमने यूज़ किया यहाँ पे। उसके बाद ये पूरा वॉशरूम है, यहाँ पर हमने ये मोटर की फिटिंग करवा रखी है, पहले जो मोटर थी वो दूसरे वाले वॉशरूम में थी और काफ़ी ऊँची थी, तो हमने ठीक ठीक लगवाई है हाइट पे, ताकि हम इसमें पानी कभी उतर भी जाता है ताकि पानी अच्छे से डाल सकें। मैं आपको दूर से दिखाती हूँ वॉशरूम का, ये देखो ये काफ़ी है वॉशरूम, अभी इसमें पूरा काम होना है प्लम्बरिंग का, बस फिटिंग विटिंग होनी है, वो जब होगी जब इसमें टाइल्स लगेंगी, और टाइल्स लगवाना ज़रूरी है क्योंकि इसमें सीलन का डर होता है, वॉशरूम में अक्सर सीलन आ जाती है, इसलिए टाइल्स लगवाना ज़रूरी है। अब मैं आपको, अब हम बाहर जाते हैं बच्चों वाले रूम से, और फिर आता है हमारा अपना मास्टर रूम, उसकी भी मैं लाइन चला लेती हूँ पहले। लाइट जल गई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये अक्सर पे ही इन्होंने बेड रखा हुआ है क्योंकि पंखा एकदम नीचे उसकी सॉरी सर पे लगा होता है तो हवा अच्छी आती है इधर, इसलिए इन्होंने आगे इसका के रखा हुआ है। ये अभी बना है, यहाँ पर भी हमने एक विंडो दी है, आपने नोट किया होगा हमारे हर रूम में एक एक विंडो है ताकि फ्रेश एयर्स अच्छे से आ सके, वेल वेंटिलेटेड है, मतलब हमने ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एक होता है ना घर में होता है बहुत ज़्यादा दम घुटता है,
तो वो नहीं हमें महसूस होगा इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा एरी एरी लगेगा। तो हमने यही सोचकर 3 विंडोज़, वो भी छोटी भी नहीं रखवाई हमने, अच्छे से बड़ी रखवाई है। ये देखो, और इसमें भी आप, हमने एक स्पेस छुड़वाया है, इसमें मैं ड्रेसिंग का सोच रही हूँ, ड्रेसिंग बनवाने का। ये सारा सामान रखा हुआ है, पोर्ट वोट जो टूटा था पहले का, लाइट्स वाइट्स हो गई, तो ये रखा हुआ है। मैं आपको दूर से, काफ़ी बड़ा रूम है ये भी, और लिविंग रूम, बस थोड़ा बच्चों का रूम छोटा है, इसमें कैप्चर होगा नहीं होगा। तो ये पूरा यहाँ तक ये रूम है। अब ये जो डोर है, ये किस चीज़ का है? ये है वॉशरूम का, क्योंकि हमने दो डोर रखवाए हैं, एक तो बच्चों के रूम से होकर जाता है, और एक ये वाला ये डोर है, सेम ही है दोनों डोर। इसको ये देखो, वॉशरूम हो जाता है। ये दो डोर इसलिए रखवाए हैं ताकि बच्चे अगर रात में अगर वॉशरूम जाना चाहें, या कोई आता है घर पर, या बच्चों को स्पेशली, तो बच्चों के लिए लगाया है, क्योंकि वो अपना इजीली वॉशरूम को यूज़ कर सकें, उनको बार बार घूम के ना जाना पड़े, क्योंकि बच्चों को जो है टॉयलेट ज़्यादा आता है और बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो इसलिए। तो ये पूरा वॉशरूम है, देखो दूर से। देख लिया आपने, अब ये आपका था पूरा हमारा रूम सारे। इसमें 2 रूम्स हैं और एक लिविंग रूम है, जो कि काफ़ी सफिशिएंट है 4 पर्सन के लिए, क्योंकि मेरी 2 बेटी हैं और एक मेरे हस्बैंड और मैं हो गए, 4 लोग हैं टोटल। तो ये पूरा जो घर है वो हम लोगों के लिए एकदम ठीक है। बैठी हुई थी तो मुझे लगा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं अपने घर की, जिस और क्योंकि हम शिफ्ट होने वाले हैं, मैं अपडेट करती रहूँगी कि मैंने क्या क्या चेंजेस करे और क्या क्या चीज़ें मैं और लेके आई, किस तरीके से मैंने मतलब सब चीज़ करी, तो मैं उसका भी करूँगी, और कैसे कौन से कलर मैं चूज़ करती हूँ, पेंट कैसा रहा, तो वो सब चीज़ें भी शेयर करूँगी। ये देखो, हम बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, ये दिखाती हूँ, इससे हमने इसको रगड़ा है किस तरीके से, ये हमने ये लिया, ये मैं मिट्टी दिखाती हूँ, इतनी मिट्टी थी इसमें जमी हुई, ये ऐसे ऐसे मिट्टी निकाली हमने इस तरीके से। ये ऐसी 4 लेके आए हैं, 4 लेके आए हैं ऐसी हम, ये मैं तो इससे, मैं और मेरे हस्बैंड जब भी उनकी छुट्टी होती है संडे की, जैसे अभी इंडिपेंडेंस डे आया था और जन्माष्टमी की छुट्टी थी, तो हमने यही कुर्चा था, तो हम दोनों ही सफाई कर रहे हैं। अभी हमने देखो कितने सारे कट्टे निकाले हैं, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देख रहे हो कितने, ये सारे कुर्च के निकाले हैं, और बाकी ये रहे कट्टे 2। तो अभी गंद बहुत ज़्यादा है, और सफाई धीरे धीरे होगी, और सफाई क्या होगी फिर उसके बाद पेंट और टाइल्स का काम शुरू होगा, तो फिर और गंद हो जाएगा। बट ये है, आप गंद में, क्योंकि मेरे हस्बैंड सोते हैं, आप गंद में तो सो नहीं सकते, तो इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा साफ रख मतलब कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि और भी गंद ना फैले। ये देखो मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, ये इन्होंने खा के नहीं फेंका, क्योंकि रात को उनको भूख लगती है, तो ये पैकेट्स यहाँ जगह जगह घिरे रहते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ इस चैनल को, और आगे वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।